सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस कि हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक वर्चुअल पीसी। और आज हम लोग वर्चुअल पीसी क्रिएट करने वाले हैं एज्योर के अंदर, एज्योर पोर्टल के अंदर। हम लोग कैसे वर्चुअल पीसी को क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग कैसे उसको मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गाइस। तो जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि अभी मैं अपने डिस्प्ले पे आ चुका हूं और यहां पे सबसे पहले आपको अपने पोर्टल को लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहां पे लॉगिन हो चुके हैं अपने एज्योर पोर्टल पे, अपने एज्योर अकाउंट पे मैं लॉगिन हो चुका हूं। यहां पे आपको देखिए एज्योर सर्विस में आपको यहां पे वर्चुअल मशीन का एक ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज आप यहां पे अगर साइड मेनू में देखोगे तो आपको यहां पे भी वर्चुअल मशीन देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप यहां पे सिंपली सर्च भी कर सकते हो तो आपको यहां पे वर्चुअल मशीन देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो सिंपली मैं यहां पे वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूं। अभी हम लोग इसको क्रिएट कैसे करना है, अभी यहां पे हमारा कोई भी वर्चुअल मशीन डिवाइस यहां पे बना हुआ नहीं है। तो यहां पे सिंपली हमको यहां पे एक प्लस का आइकन मिल जाता है क्रिएट करने के लिए, तो सिंपली मैं यहां पे प्लस पे क्रिएट कर दूंगा। और यहां पे कुछ आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है एज्योर वर्चुअल मशीन। तो सबसे पहले मैं यहां पे फर्स्ट वाले पे क्रिएट क्लिक कर देता हूं, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा गाइस तो कुछ इस तरीके से मेरे को नेविगेट कर देगा अदर पेज पे। और यहां पे हमारा सारा का सारा बेसिक हर एक चीज, यहां पे प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स, जो भी हमारा इंस्टेंस डिटेल्स है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स का डिटेल्स, वो सारा कुछ हमको यहां पे देखने के लिए फिट करने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले यहां पे गाइस मेरा भी सब्सक्रिप्शन यहां पे फ्री ट्रायल लिया हुआ है। फ्री कैसे आप लोग लेते हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आप लोगों को साइड में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। तो यहां पे गाइस मेरा ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन सिलेक्टेड है, तो मैं फास्ट फ्री ट्रायल पे ही जाने वाला हूं। और यहां पे रिसोर्सेज ग्रुप है, तो यहां पे मेरा एज्योर डीबी करके हमारा पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहां पे हमारा रिसोर्सेज ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहां पे अभी मैं क्रिएट न्यू करने वाला हूं गाइस, और यहां पे मैं यहां पे कुछ इस तरीके से हम लोग यहां पे न्यू नाम दे देते हैं रिसोर्सेज ग्रुप का, ये हमारा वर्चुअल मशीन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे नाम दे दिए गाइस, तो यहां पे वर्चुअल मशीन मेरा यहां पे सिलेक्टेड हो चुका है। नेक्स्ट हमारे यहां पे मशीन का आप नेम क्या रखना चाहते हैं, तो यहां पे सिंपली मैं यहां पे कुछ इस तरीके से मैं यहां पे एज्योर वीएम मतलब एज्योर वर्चुअल मशीन का यहां पे मैं नेम यहां पे डालने वाला हूं। और यहां पे देखिए यहां पे रिलीजन में आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया है, तो आपको यहां पे अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहां पे अवेलेबिलिटी ऑप्शंस के अंदर हमको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है गाइस, वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। यहां पे तो देख सकते हैं कि अवेलेबल जोन हमारा क्या कुछ है यहां पे, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अभी यहां पे टाइप हमारा यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी टाइप हमारा स्टैंडर्ड है, मैं इसको भी एज इट इज रहने दूंगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इमेज करके, तो यहाँ पे इमेज का दैट मींस कि आपको कौन सा मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, अगर विंडोज 10 चाहिए, विंडोज 11 चाहिए, लिनक्स चाहिए, आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से विंडोज 10 लेने वाला हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे विंडोज 10 वाले पे क्लिक कर दूंगा, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिल जाता है। और फिर उसके बाद हमको गाइस यहाँ पे साइज क्या रखना है इस वर्चुअल मशीन का कम्प्लीटली, तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 GB मेमोरी है और काफी कुछ है। यहाँ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ, और यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड B1S करके हमारा एक मेरे को साइज मिल जाता है, उसमें आपको 1 GB का मेमोरी यहाँ पे मिल जाता है, और इसका प्राइसिंग जो है 683 पर मंथ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे गाइस अभी हम लोग सिंपली अभी हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, मतलब कि अगर आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो तो उसका यूजर नेम पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यूजर नेम कुछ इस तरीके से डाल दिया हूँ गाइस, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे गाइज उस तरीके से पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि हम लोग को यहाँ पे पब्लिक पोर्ट का मिल जाता है, और फिर यहाँ पे काफी कुछ देखने के लिए मिल जाता है। मैं सिंपली यहाँ पे नन पे क्लिक करने वाला हूँ, और अभी हम लोग यहाँ पे आई कंफर्म कर देते हैं लाइसेंस का।
और यहाँ पे सिंपली हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे गाइस, तो आपको डिक्स कितना है, एसडीडी है, क्या कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने वाला हूँ। ऑल राइट, और फिर यहाँ पे मेरे को कुछ डिफॉल्ट अल्ट्रा इनक्रिप्टेड टाइप में यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने दूंगा, एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूँ गाइस। अभी यहाँ पे एडवांस के अंदर देख लेते हैं, तो एडवांस के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे वापस से क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे गाइस, तो नेटवर्किंग का यहाँ पे कुछ सिलेक्शन के लिए आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे नेटवर्क जो है वर्चुअल मशीन का है, ठीक है। यहाँ पे सबनेट के अंदर हमारे ये डिफॉल्ट ही मैं रहने देता हूँ इसको, और हमारा जो पब्लिक आईपी है वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे ले चुका है। ऑल राइट, और इसके अंदर ऐसा कुछ अभी नहीं करना है गाइस, सिंपली हम लोग मैनेजमेंट पे क्लिक कर देते हैं, सिंपली हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे गाइस, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग का कुछ है इनेबल और डिसेबल करके आ रहा है, तो यह मैं इनेबल रहने देता हूँ, ठीक है। और ऑटो शटडाउन का मैं यहाँ पे फीचर डालने वाला हूँ कि जब भी मैं डिस्कनेक्ट करूंगा अपने वर्चुअल मशीन को तो ऑटोमेटिक वो शटडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ ऐसा है नहीं गाइस, तो सिंपली हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और एडवांस के अंदर आ जाते हैं। तो एक्सटेंशन के बारे में अगर मैं बात कर लूँ गाइस, तो यहाँ पे जो भी आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करके चाहिए, क्या कुछ आपको इंस्टॉल करना है इसके अंदर, वो सारा कुछ आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कि आप डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग कुछ विजुअल स्टूडियो वगैरह अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही इंस्टॉल कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अभी मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूँ, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे वापस से क्लिक कर देंगे और सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट प्लस रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे 0.9366 पर आवर का यहाँ पे चार्ज हमारा लगेगा जब भी मैं इसको यूज करूंगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन को गाइस। अभी हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट करने के बाद देखेंगे कि हम लोग कैसे उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ हो चुका है और यहाँ पे मैं सिंपली अभी क्रिएट पे क्लिक करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे हर एक चीज जो भी मैं यहाँ पे फीड किया था वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अभी मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करूंगा गाइस, तो यहाँ पे हमारा अभी वर्चुअल मशीन क्रिएटिंग होने लग गया है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं गाइस और देख लेते हैं कि हमारा क्रिएट होने के बाद क्या कुछ हमको डिटेल्स ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमारा क्या कुछ डिप्लॉयमेंट हुआ है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एज्योर VM था, मतलब जो हम यहाँ पे रिसोर्सेस क्रिएट किए थे अपने वर्चुअल मशीन के लिए, वो यहाँ पे मेरा गाइस ऑलरेडी हो चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ पे गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, वर्चुअल मशीन तो हमारा क्रिएट हो चुका है बट इसको अब हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे गाइस, तो इसके लिए हमारा सिंपल हम यहाँ पे मेथड को यूज करने वाले हैं। डायरेक्टली आपको कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सिंपली आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है RDP का। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग RDP का यूज करके इसको एक्सेस करने वाले हैं। तो सिंपली देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हम लोग को RDP का यहाँ पे IP एड्रेस और पोर्ट नंबर हम लोग को मिल चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली RDP फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैं RDP फाइल डाउनलोड करता हूँ गाइस, तो जिस तरीके से हम लोग को यहाँ पे सेटअप मिल जाता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सेटअप यहाँ पे लेके आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। अभी मैं सिंपली इस पे डबल क्लिक करूंगा गाइस, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे कनेक्टिंग करेगा, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रस्ट मांग रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पे। तो यहाँ पे भी हमारा डेस्कटॉप कनेक्ट होने वाला है। अभी हम लोग जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको एरर देखने के लिए मिल जाता है और ये सारे मतलब जिस पे जो भी है जब भी आप क्रिएट करोगे तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप लोग सिंपली वापस से अपने एज्योर पोर्टल पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको देखिए अभी मैं कनेक्शन पे था और कनेक्शन पे मेरे को यहाँ से मैं अपना RDP फाइल को डाउनलोड कर लिया था। अभी आपको सिंपली नेटवर्किंग के अंदर चले जाना है और नेटवर्किंग के अंदर आपको यहाँ पे एक ऐड का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे ऐड अनबॉर्ड पोर्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा गाइस और यहाँ पे हम लोग बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहने देंगे और पोर्ट को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। पोर्ट हमारा अभी यहाँ पे क्या है, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे देख लूं तो यहाँ पे हमारा 883389 है हमारा। तो सिंपली यहाँ पे मैं 3389 पोर्ट में यहाँ पे अपना जो भी हमारा पोर्ट रेंज है वो मैं डाल दूंगा और सिंपली मैं यहाँ पे पोर्ट नेम को भी चेंज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पे चेंज करके ये सारे कुछ को सिंपली ऐड पे क्लिक कर दूंगा गाइस और यहाँ पे हमारा वापस से एक क्रिएट हो रहा है सिक्योरिटी रूल्स। तो यहाँ पे हमारे इसको क्रिएट होने देते हैं, पोर्ट हमारे यहाँ पे क्रिएट होगा गाइस, उसके बाद हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस वर्चुअल मशीन को। सो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली हो चुका है कनेक्टेड और यहाँ पे सिंपली अभी हम लोग इसको कट कर देंगे
और वापस एक बार हम लोग कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। डबल क्लिक जैसे ही करता हूँ गाइस, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मतलब कि काम करना शुरू हो गया है। और यहाँ पे हमारा जो भी यूजर नेम पासवर्ड था वो मैं सिंपली यहाँ पे इनपुट कर दूंगा, और सिंपली मैं यहाँ पे रिमेम्बर मी पे करके मैं सिंपली ओके पे क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ पे पासवर्ड जो हमारा है वो गलत बता रहा है, तो सिंपली मैं एक बार वापस से ट्राई कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ गाइस, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रिमोटली कनेक्ट होने का ऑप्शन आ चुका है, और सिंपली मैं यहाँ पे वियस पे क्लिक कर दूंगा। अभी हमारा ये जो डिवाइस है, जो भी मैं वर्चुअल डिवाइस बनाया हूँ, वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा वेबटेक, जो भी मैं अभी वर्चुअल मशीन बनाया था, उससे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। सो गाइस देख सकते हैं कि मेरा सक्सेसफुली जो भी हमारा एरर वगैरह भी आ रहा था, अगर आपको पोर्ट डालने के बाद भी अगर आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो एक बार आपको यहाँ से मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ से आकर के ओवरव्यू पे आना पड़ेगा, और ओवरव्यू पे आकर के एक बार रीस्टार्ट कर देंगे अपने वर्चुअल मशीन को, उसके बाद फिर वापस से आप लोग कनेक्ट होने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका हूँ, और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लॉगिन हो रहा है जो भी हमारा यहाँ पे वर्चुअल मशीन है, और इसके अंदर क्या कुछ है और कैसे हम लोग इसके अंदर सारा कुछ करने वाले हैं वो सारे कुछ हम लोग देखेंगे। लोडिंग पे बूटिंग, एक्चुअली ये कम्प्लीटली बूटिंग हो रहा है। तो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे हमारा बूटिंग प्रॉपर हो चुका है, और विंडोज 10 जैसे कि मैं डाला था गाइस, वही विंडोज 10 मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। तो देख सकते हैं कि अभी अगर मैं इसका बात कर लूं गाइस कि हमको इसके अंदर क्या कुछ मिला है, ठीक है, स्टोरेज वगैरह के बारे में, तो सिंपली मैं इस अपने ओके और इसको गाइस जैसा मैं यूज करूंगा, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 1 आवर यूज करता हूँ तो 0 point something रुपीज हमारा यहाँ पे लगता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका चार्जेस है गाइस। तो आप लोग अपने मतलब कि ये मेरा टेस्टिंग पर्पज से था, तो मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ही मिनिमम मतलब के सारा कुछ साइज वगैरह लिया हूँ, बाकी सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से साइज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप लोग को यहाँ पे लगने वाला है। तो दिस पीसी के अंदर मैं देख लेता हूँ गाइस क्या कुछ हमको मिल जाता है। तो दिस पीसी के अंदर देख सकते हैं 126 GB हमारा यहाँ पे सी ड्राइव है, और टेम्पोरी स्टोरेज जो है गाइस वो हमारा 4 GB का दिया हुआ है। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे किया था गाइस। अभी इसके अंदर हम लोग जो भी कुछ यूज करेंगे, इसके अंदर बेसिकली मैं के अपना सॉफ्टवेयर को रन करके देख करने के लिए देखूंगा कि जो भी हमारा विंडोज सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर कैसा काम करता है, और किसी थर्ड पर्सन को अगर मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस बताता हूँ, यूजर आईडी पासवर्ड बताता हूँ, तो वो कैसे एक्सेस कर पाते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मेरा प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो चुका है वर्चुअल मशीन। सो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन अपने एज्योर पोर्टल से। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।